हेलो लर्नर, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वहाँ 80 से 90 साल की एज वाले लोग हर रोज खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक फार्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, यानी कि जीने की वजह। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया पर आए होते हैं और वो मकसद ही आपका इकिगाई होता है। यानी कि आप अपने मकसद के अलावा कोई काम करते हो तब आपको वह मजा नहीं आएगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद के तलाश में ही लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पे भी रहने वाला इंसान इस जापानी फार्मूले का यूज करके अपनी इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। जब भी आप अपनी कॉलेज खत्म करके बाहर वर्क करने के लिए जाते हो तब आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप काम करने में खर्च करते हो। इसीलिए कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम करने में खुशी मिलती हो वो काम करो, कोई कहेगा कि तुम जिस काम में अच्छे हो वो काम करो, कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले, और कोई ये कहेगा कि ऐसा काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर कोई हमें इस चार ऑप्शन में से कोई एक चूज करने को कहता है, जो कि एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है और अगर इसमें से कोई एक पार्ट मिस भी हुआ तो आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। आइए समझते हैं। पहला सर्कल व्हाट यू लव, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो आपको पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तीसरा है व्हाट यू कैन फेट फॉर, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसमें आपके काम के बदले आपको पैसे मिले। फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल देके बताऊं तो नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उस काम में आप काफी अच्छे भी हो तो यूजफुल नॉलेज पाके प्रोग्रामिंग करना आपका पैशन हुआ। सेकंड और थर्ड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल कुछ नया सीख के आपने एक ऐप बनाई जिससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे तो अब वो काम हो गया आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज के बदले आपको पैसे मिले और उसी चीज की दुनिया को जरूरत हो तो वो काम होगा आपका वोकेशन। मतलब आपने बनाई ऐप जो दुनिया के लिए बेस्ट सुटेबल है वो काम हुआ आपका वोकेशन। और लास्ट में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वही आपका फेवरेट वर्क हो तब वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। एग्जाम्पल जिस ऐप की दुनिया को जरूरत है उस पे ही वर्क करना आपको बहुत पसंद था तो आपकी पसंद और दुनिया की नीड बन गया आपका मिशन। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सिर्फ आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, पर सिर्फ पैशन फाइंड करना काफी नहीं होता क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट को भी सेटिस्फाई करे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको ब्लॉग लिखना पसंद है, आपने बहुत मेहनत करके अपनी ब्लॉगिंग स्किल को इम्प्रूव किया और अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को आपका ब्लॉग पढ़ के कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वो आपको आपके काम के बदले पैसे भी देती है। मतलब कि ब्लॉगिंग इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ब्लॉगिंग आपकी इकिगाई है। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करे और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी वो काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे भी मिले और उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाओगे। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो धोनी को क्रिकेट खेलना पसंद है, उसमें वो प्रैक्टिस करके अच्छे बने, क्रिकेट खेल के उन्हें पैसे भी मिलते हैं और लोगों को उनकी बैटिंग बहुत पसंद है, यानी कि दुनिया को उनकी जरूरत है। धोनी के लिए क्रिकेट इन चारों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्रिकेट धोनी का इकिगाई है। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज को जानते हैं उन्होंने अपनी इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है और उसी वजह से ही वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी कोई भी चीज मैटर ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट और जीनियस पर्सनालिटीज का पावर होता है। अपनी इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करने की वजह से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान में सोनी कंपनी को विजिट
किया तब उन्होंने उनसे कई सारी नई चीजें सीखी और अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट भी करी। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया वहीं से मिला था। अपनी इकिगाई को फाइंड करके उस पे वर्क करके आप इरिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हो। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्क कोर्ट, जो रोल्स रॉयल्स के एकमात्र कोच लाइन पेंटर हैं, जो कि वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार में से एक यानी कि रोल्स रॉयल्स पे अपनी हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही रेयर स्किल है और उनको आज तक कोई नहीं रिप्लेस कर पाया। आपको अचानक से अपना इकिगाई नहीं मिलेगा, आपका इंट्यूशन यानी कि आपके अंदर की आवाज और क्यूरियोसिटी ही आपको आपका इकिगाई फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को जानना पड़ेगा, और जब आपको अपना इकिगाई मिलेगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, इसी चीज की मुझे तलाश थी। लर्नर, ये सभी बातें मैंने इकिगाई बुक से सीखी है, जिसके ऑथर हैं एक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स। इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी अमेजिंग बातें लिखी हैं, जिसे पढ़कर आपको और भी सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इकिगाई को जरूर रीड करें। आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।